हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक्सेल की शीट में एम्प्लॉय का पे स्लिप बनाने वाले हैं, मतलब पे स्लिप बनाना आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ओके। मतलब पे स्लिप क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई भी आपके यहाँ काम कर रहा है आपकी कंपनी में, आप उसको जो मंथली सैलरी देते हो, जो उसको पे करते हो, तो उसको स्लिप देनी पड़ती है। लाइक आप बिल, जो बिल देना पड़ता है, बस वही बनाने वाले हैं आपको। भाई आपको बिल बनाना सिखाएंगे एक्सेल में। चलो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की शीट की तरफ। एक्सेल, ओके, ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। इसको कट कर देते हैं, लास्ट स्टार्ट। हाँ जी, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं जिसमें आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना काफ़ी है हमारे हिसाब से। चलिए, तो पहले हम डायरेक्ट पहले हेडिंग डालते हैं। ठीक है, मर्ज करके इसमें हम डाल देते हैं पे स्लिप। पे स्लिप, पे स्लिप, ओके। अब इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, बड़ा कर लेंगे। ओके, ये ठीक है। यहाँ से हम नेम डालेंगे, पहले हम डालेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ओके, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ओके। अब उसके बाद हम नेम ऑफ एम्प्लॉय के बाद यहाँ डालेंगे इधर दूसरे ब्लॉक में, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। अब ये यहाँ पे हम डालेंगे नेम, डालेंगे एम्प्लॉय का जिसको हमको सैलरी देनी है, तो यहाँ डाल देते हैं मिस्टर राजेश, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर राजेश कुमार, ओके। अब यहाँ नीचे, यहाँ हम नीचे डालते हैं डेजिग्नेशन, डेसिग्नेशन, डी कैपिटल होगा, डेसिग्नेशन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं डेसिग्नेशन, ओके। यहाँ पर हम डालते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं डेसिग्नेशन के बाद है, यहाँ डाल देते हैं ये करते क्या हैं, ये हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, राजेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, 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 ओके। डिपार्टमेंट है इनका HRD, HRD, ओके। अब डिपार्टमेंट क्लिक के नीचे हम एक लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ डालेंगे सैलरी, सैलरी के बारे में, सैलरी, ओके। यहाँ पर डालते हैं बेसिक, बेसिक सैलरी, ओके। यहाँ पर डालते हैं HRA, ओके, HRA, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं कन्वेंस, कन्वेंस, ओके। यहाँ पर डालते हैं स्पेशल अलाउंस, स्पेशल एलोयंस, स्पेशल एलोयंस, ए कैपिटल कर देते हैं, स्पेशल एलोयंस, ओके। उसके बाद हमको यहाँ डालना है अदर एलोयंस, अदर एलोयंस, अदर एलोयंस, ओके। अब अदर एलोयंस के बाद तो पहले हम इनकी बेसिक सैलरी डाल देते हैं, कि बेसिक सैलरी यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। एक यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी डालते हैं 18,000, ओके, ठीक है। 18,000 डाल देते हैं इनकी बेसिक सैलरी, कॉमा लगा कर, इसमें जाके इसमें कॉमा लगा देंगे तो ये इंडियन करेंसी जैसा लगेगा, ओके। अब ओके, तो ये हमारी बेसिक सैलरी लिख चुकी है। उसके बाद हमको निकालना है HRA, HRA निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में पहले इक्वल लगाना है, ठीक। उसके बाद हम बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटू करना है और इसमें निकालना है 30%, ओके, 30%, ये हमारा HRA निकला है, ठीक। अब कन्वेंस निकालने के लिए हमको फिर से फॉर्मूला लगाना है, इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 12%, ओके, ये हमारा 12% हो चुका है। अब उसके बाद हमको निकालना है स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस निकालने के लिए इक्वल
बेसिक सैलरी पे क्लिक, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 10%, एंटर। एक सेकंड, फॉर्मूला गलत हो गया। यहाँ पर डालेंगे इक्वल, बेसिक सैलरी पे क्लिक, फिर उसके बाद हमको वो डालना है इनटू टू 10%। ओके, फिर से अब हमको अब निकालना है अदर अलाउंस, इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक इनटू 10%। ओके डन, ठीक है। तो ये हमारे सब निकल चुके हैं। यहाँ पे हम डालते हैं ग्रॉस टोटल, ठीक है। ग्रॉस टोटल का मतलब होता है जितना टोटल है उतना, ठीक है। जी आर होटल एस क्रॉस टोटल, ओके। यहाँ आ गया हमारा ग्रॉस टोटल, ठीक है। अब हम ग्रॉस टोटल निकालते हैं। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है इक्वल बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस कन्वेंस प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस अदर अलाउंस, ओके। एंटर करेंगे, ये हमारी आ चुकी है पूरी फुल बेसिक सैलरी, ओके। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे PPF, ओके। अब हम साइड आ जाते हैं, साइड लिखेंगे PP, यहाँ पे लिखना है हमको साथ PPF, ओके। और नीचे लिखते हैं, नीचे हम लिख देते हैं ESI, ओके। ESI लिखने के बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, ओके। अब हमको निकालना है PPF, ठीक है। तो PPF निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला है इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक इनटू 12%, ओके। ये निकल आया हमारा PPF, ठीक है। अब ESI निकालने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक इनटू 3.5%, ओके। अब मेडिकल निकालने के लिए हमको इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक इनटू 3.5%, ओके। ये हमारे निकल चुके हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको थोड़ा इस साइड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और इतना काफ़ी है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ओके। ये अब सही लग रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेट पेबल, ओके, नेट पेबल। तो नेट पेबल हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डालते हैं नेट पेबल की जगह, यहाँ पे हम डालेंगे ओनली टोटल, ठीक है, ओनली टोटल डालेंगे, टोटल, ओके। यहाँ हमको टोटल निकालने के लिए इक्वल लगाना है। ये हमको PPF, ESI और मेडिकल का टोटल निकालना है, ओके। PPF पे क्लिक, फिर प्लस का साइन, फिर ESI पे क्लिक, फिर प्लस का साइन, फिर मेडिकल, ठीक, इक्वल, ठीक। ये आ चुका है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस टोटल आ चुका है और ये हमारा ओनली टोटल आ चुका है, ठीक है। अब नेट पेबल निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट इक्वल लगाना है, ठीक है, ग्रॉस टोटल पे क्लिक करना है, फिर माइनस करना है टोटल को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा नेट पेबल, ठीक है। अब नेट पेबल निकालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं, ओके। तो सैलरी के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये हमारी सैलरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर हम डाल देते हैं डिडक्शन CTIN, ठीक, डिडक्शन, ओके। ये हमारी हो गई डिडक्शन, हेडिंग हमारी डली है पे स्लिप, ओके। अब उसके बाद पे स्लिप के बाद हम चाहते हैं यहाँ डेट भी डाल दें, ठीक है। तो यहाँ हम डेट डाल देते हैं, डेट इक्वल, इसके बाद यहाँ हम डेट डालते हैं, आप अपने मन से जो जिस दिन आप पे स्लिप पे कर रहे हो उनको सैलरी पे कर रहे हो उस दिन की डेट डालना। हम आपको डेट डाल के दिखा देते हैं, 31 एक, उसके बाद हम आपको पूरा डाल के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है 2022, ओके। मतलब 31 जनवरी 2022, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं बॉर्डर,
सॉरी गाइस, थोड़ा सिस्टम की बैटरी लो हो गई थी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पहले हम फुल बॉर्डर करेंगे, इसमें सब में कर देते हैं फुल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं ऑल बॉर्डर। ओके, इसमें भी हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। ओके, ये हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें कर देंगे नो बॉर्डर। यहाँ सेलेक्ट करके हम इसमें देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, इसे भी ऑल बॉर्डर, इसमें ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको इसमें भी करना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें डाल देते हैं बॉटम टॉप बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए टॉप बॉर्डर आ चुका है। ठीक, और इसमें लेफ्ट बॉर्डर डाल देते हैं, और नहीं यहाँ पे डालना है हमको, यहाँ पे हमको करना है। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डालेंगे हम लेफ्ट बॉर्डर और यहाँ डालेंगे राइट बॉर्डर। ओके, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डाल देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर डालने के बाद अब इसको कर देते हैं बोल्ड। इसको कर देंगे बोल्ड, इसको भी कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, और इसको कर देते हैं बोल्ड, जो बोल्ड करने लायक है उनको बोल्ड कर देते हैं, बकाया सबको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, ये भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम, इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट कर देते हैं बोल्ड। ओके, अब यहाँ पे हमारे हिसाब से ठीक है, डेट हमने डाल ही दी। ओके, अब हम यहाँ ये जो बीच में है इसको हटा देते हैं। है, इसको पहले कर देंगे इसको नो बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद इसमें डालेंगे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ठीक है, ये देखो इसमें बीच में एक बॉर्डर था, वो हट गया है। ठीक है, अब सही हमको इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें डालते हैं पहले नो बॉर्डर, उसके बाद एक एक करके सारे बॉटम बॉटम बॉर्डर, उसके बाद टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। अरे यार, इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद डालना है लेफ्ट बॉर्डर और फिर डालना है राइट बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए डल चुका है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें डाल देते हैं बॉटम बॉर्डर। ये देखिए, ये ठीक है। ओके, ये हमारी सैलरी है, ये हमारी डिडक्शन है। ठीक है, ये हमारी सैलरी है, यहाँ पे ये डिडक्शन है, ये उसका टोटल निकल चुका है, ये ग्रॉस टोटल है और ये नेट पेबल, मतलब हमने टोटल उसको 25,700 रुपये पे किए हैं। ठीक है, राजेश कुमार को हमने 25,700 रुपये पे किए हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।